यार हर लड़का हारिस नहीं होता। यार हमदान इज अ ग्रेट गाय, अगर प्रपोज करे ना तो फौरन हाँ कह देना। क्या हमदान मुझे पसंद करता है? शायद, उसकी बातों से तो ऐसा ही लगता है। मगर ये नामुमकिन है। फारूक अंकल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते और ना ही उनकी बेटी। अंकल मुझे अपने घर रखने पर तैयार नहीं है तो बहू बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं। अनुषा सो तो नहीं रही थी? नहीं नहीं सो नहीं रही थी। अंकल आ गए? नहीं आने वाले होंगे, मैंने सोचा तुमसे पूछूं। खाना खाया? खा लिया। क्या खाया? और थक गई थी ना आज तो ऑमलेट बना के खा लिया। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी ना? कौन सी जिद? यही रोज रोज पका के खाने की। चलो हमारे घर मत आया करो, लेकिन एटलीस्ट इतनी इजाजत दो कि मैं पका के तुम्हें भेज दूं। मैं वो एक ही बात क्यों रिपीट करती हूँ? मैं जैसे रह रही हूँ ना, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, ट्रस्ट मी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नाराज हो गई? अच्छा नाराज तो मत हो ना। यही तो मसला है ना, मैं तुमसे नाराज ही नहीं हो सकती। जानती हूँ नहीं हो सकती, तभी तो तंग करती हूँ मैं। आप बहुत ज्यादा तंग करने लगी हो तुम। क्या खाया? ऑमलेट। अच्छा ऑमलेट बनाना सीखा मैंने। कर दो तुम्हारा ऑमलेट, मुझे पता है। सिर्फ चीज भरा हुआ होता है ऑमलेट के अंदर और कुछ नहीं होता उसमें। आपने क्या बनाया? मैंने बनाया था आलू गोश्त। तो सरप्राइज है यार, आज बाबा की याद कैसे आ गई? बाबा की याद तो मुझे आती है, बस बाबा ही बिजी होते हैं। मैं बिजी होता हूँ? अरे भाई बिजी तो आप होते हैं राणा आंटी के साथ, बाबा को तो लिफ्ट ही कोई नहीं। मैं लिफ्ट नहीं करवाती, या आप अपनी बेगम के साथ मसरूफ होते हैं। यसरा प्लीज, मैंने नोट किया है कि तुम उमामा की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। बेटा मेरे रिश्ते से वो तुम्हारी माँ की जगह है। सॉरी बाबा, मेरी मामा की डेथ हो चुकी है और उनकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, जगह नहीं दे सकती, एहतराम तो कर सकते, बड़ी हैं, पढ़ी लिखी हो सोसाइटी। जी बाबा ठीक है ठीक है, आप तो मुझे लेक्चर देना शुरू कर देते। अच्छा मामा मैं नहीं लेक्चर देता, आप खुश। अच्छा ये बताओ कि क्लब में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? क्लब में मैंने बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाए हैं, हम साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, अच्छी गैदरिंग हो जाती है, गेम्स खेल लेते हैं, और हाँ न्यू स्विमिंग कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँ। हाँ लेकिन मैं अब तुम्हारी मुस्तकिल एक्टिविटी के बारे में सोच रहा था। क्या मतलब? मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी शहजादी किसी शहजादे के साथ रुखसत हो जाए। बाबा मुझे भी शादी नहीं करनी। सरल बेटा मुझे अपना फर्ज अदा करना है। तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर रही, ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रही, बेटा शादी तो करो, एटलीस्ट मैं अपने फर्ज से सबक दोष दूं। आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन बाबा मैं मुझे अभी शादी नहीं करनी।